तो कैसे भी रिसेंटली मोटो G13 4G लॉन्च हुआ था और मैंने इसकी शॉर्ट्स वीडियो आपको दी थी चैनल के ऊपर, लेकिन इस वीडियो में हम इसका कंपैरिजन करने वाले हैं हमारे सैमसंग के M04 से। कुछ दिनों से यार मैं इनएक्टिव था और ये डिवाइस मेरे पास काफी टाइम से है, तो थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में आपको। वीडियो आपको पसंद आ जाता है तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, ऐसी वीडियोज आपको देखनी है। तो सबसे पहले बिल्ड एंड डिजाइन की बात करते हैं दोनों ही फोन्स की। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों स्मार्टफोन जो है ना वो यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक बैक डिजाइन के साथ में आते हैं, लेकिन जो मोटोरोला है ना वो यहाँ पे PMMA डिजाइन को यहाँ पे फॉलो करता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है एज कम्पेयर टू सैमसंग, जो कि भाई यूनिवर्स डिजाइन के साथ में आता है और काफी ज्यादा मतलब प्लास्टिक की फील देता है और चीप फीलिंग देता है सैमसंग का फोन हाथ के अंदर। वेयर एज मोटोरोला का फोन में ना ऐसे फ्लैट फ्रेम आपको दिया गया है, तो दिखने में काफी ज्यादा मॉडर्न लगता है जैसे कि आजकल फोन आते हैं, और पीछे का जो बैक डिजाइन भी है वो भी फ्लैट है, कैमरा बम्प भी काफी अच्छा लगता है, एंड सैमसंग काफी ज्यादा भाई सस्ता सा फोन लगता है, लगता नहीं है 10,000 के अराउंड का फोन है। एंड दोनों में वैसे तो टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, नीचे की तरफ स्पीकर है, लेकिन मोटोरोला में ना डुअल स्पीकर आपको मिलता है, वैसे दोनों में हेडफोन जैक भी मिल जाता है आपको। मोटोरोला का फोन ना काफी ज्यादा लाइट वेट भी है और स्लीक भी है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, सैमसंग का फोन कंपेयर टू भारी भी है और मोटा भी है, जबकि दोनों के अंदर ही सेम बैटरी दी गई है 5000 mAh की। अब दोनों ही फोन के अंदर ना आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, IPS LCD डिस्प्ले है, लेकिन मेजर फर्क यह है कि सैमसंग में आपको 60Hz का डिस्प्ले मिलता है, वेयर एज मोटोरोला में आपको 90Hz का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा फर्क क्रिएट कर देता है डे टू डे लाइफ के अंदर। मोटोरोला के अंदर ना आपको सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, वेयरएज सैमसंग के अंदर एक काफी बड़ी सी नॉच और एक बॉटम चिन देखने के लिए मिलता है। इवन मोटोरोला के अंदर पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है, वेयरएज सैमसंग में कोई प्रोटेक्शन यहां पे नहीं दी गई है। बाकी वैसे दोनों में वाइडवेल L1 का सर्टिफिकेशन है, तो HD में आप OTT प्लेटफॉर्म्स में वीडियो प्लेबैक कर सकते हो। जैसे सैमसंग और मोटोरोला के फोन में हम स्क्रोलिंग करेंगे ना, तो मोटोरोला आपको ना ज्यादा स्मूथ लगेगा एज कंपेयर टू सैमसंग। सैमसंग में ना जिटर्स वगैरह आते हैं स्क्रोलिंग करते हुए और काफी ज्यादा लैग स्टटर वगैरह करता भाई ये सैमसंग का फोन, अभी बताऊंगा सारी चीजें। तो हाँ, स्मूथनेस वगैरह आप देखोगे ना तो डेफिनेटली मोटोरोला का फोन काफी ज्यादा फास्ट फील होगा आपको। बाकी मोटोरोला के अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ में, वेयरएज सैमसंग में सिर्फ सिंगल स्पीकर दिया गया है, इसमें भी डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको मिलता है। लेकिन क्वालिटी की बात करें तो भाई मोटोरोला क्लियर बहुत ही ज्यादा मार्जिन से बेटर है। सैमसंग का जो स्पीकर ना भाई काफी ज्यादा ऐसा फ्लैट फ्लैट सा लगता है, ऐसा कुछ खास नहीं है स्पीकर। बाकी हेडफोन जैक का आउटपुट दोनों ही फोन्स का अच्छा आपको मिल जाएगा। इस प्राइस रेंज में ना आपको जो हैप्टिक मोटर है वो एवरेज क्वालिटी की देखने के लिए मिलती है। तो मोटोरोला में वैसे यहाँ पे कॉइन वाइब्रेटर यूज किया गया है और सैमसंग में एकदम बेसिक वाली वाइब्रेशन देखने के लिए मिलती है। सिक्योरिटी की बात करें तो सैमसंग के अंदर ना कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह नहीं दिया गया, ना पीछे ना साइड में, तो इसमें सिर्फ आपको पैटर्न या फिर पिन वगैरह आप यूज कर सकते हो। वैसे मोटोरोला में आपको ऐसा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जिसको आप भाई ऐसे प्रेस करके अनलॉक कर सकते हो। बाकी प्रोसेसर में काफी बड़ा डिफरेंस है, सैमसंग के अंदर दिया गया हीलियो का P35, वेयर एज मोटोरोला में भाई हीलियो G85 प्रोसेसर दिया गया है। अब मीडियाटेक का हीलियो G85 काफी सारे फोन के अंदर हम टेस्ट कर चुके हैं, काफी ज्यादा रिलायबल प्रोसेसर है अंडर 10,000 के सेगमेंट के अंदर। सैमसंग के फोन्स ना ओवर टाइम स्लो फील होते हैं और ये तो भाई आउट ऑफ द बॉक्स ही स्लो फील हो रहा है। प्रोसेसर और परफॉर्मेंस के मामले में क्लियरली मोटोरोला का फोन ज्यादा बेटर आपको देखने के लिए मिलेगा। इवन मैंने सैमसंग के अंदर ना UI 5.1 का अपडेट भी कर लिया था, उसके बाद का मैं आपको ये बता रहा हूं। बाकी इसके N22 Geekbench के टेस्ट भी आप यहां पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, उसमें भी क्लियरली आपको पता चलेगा कि मोटोरोला बहुत ही ज्यादा मार्जिन से आ गया है सैमसंग के इस बजट फोन से। बाकी गेमिंग वगैरह की बात कर रहे हो तो मोटोरोला के अंदर आप गेम्स वगैरह खेल सकते हो, लेकिन भाई सैमसंग में तो आप वो सोचना भी मत, क्योंकि भाई P35 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है तो काफी ज्यादा लैग स्टटर वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ मोटोरोला में तो भाई हीलियो G85 मिलता है, तो आराम से भाई गेमिंग वगैरह भी आप कर सकते हो इस प्राइस सेगमेंट में भी। बाकी कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो मोटोरोला में आपको गूगल डायलर मिलता है, तो कॉल रिकॉर्ड्स करोगे तो पता चल जाएगा सामने वाली पार्टी को, लेकिन सैमसंग के अंदर ना आपको सैमसंग का डायलर मिलता है तो रिकॉर्ड आप इजीली कर सकते हो कॉल्स वगैरह। बाकी वैसे कॉल क्वालिटी रिसेप्शन वगैरह दोनों ही फोन्स का अच्छा आपको मिल जाता है। अब कैमरास की बात करें तो मोटोरोला के अंदर ना मेन कैमरा दिया गया है 50 MP का, बाकी 2-2 MP की एक डेप्थ और मैक्रो कैमरा दिया गया है, वेयर एज सैमसंग के अंदर आपको जो मेन कैमरा वो 13 MP का मिल जाता है और 2 MP का एक मैक्रो कैमरा दिया गया है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो सैमसंग के अंदर 5 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, वेयर एज मोटोरोला में 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। सबसे पहले फोटोज दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पे देखो जो मोटोरोला का फोन है ना वो काफी वाइब्रेंट फोटोज यहाँ पे क्लिक करता है अपने मेन कैमरा से, और सैमसंग का फोन ना जो कलर्स है वो थोड़े से फीके कर देता है, जैसे रियल लाइफ में दिख रहे थे थोड़े से फीके दिखते हैं। इवन की जो शेडोज भी है ना उनको सैमसंग का फोन डार्क कर देता है, वेयर एज मोटोरोला अच्छे से मेंटेन करता है। बाकी डिटेल में भी सैमसंग का फोन बहुत पीछे है मोटोरोला के कंपैरिजन में, इवन दिखने में भी फोटोज मोटोरोला की वाइब्रेंट लगती है, तो दिखने में डेफिनेटली आपको पसंद आएंगी। बाकी दोनों फोन्स में आप 1080p में फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो वो भी आप यहां पे देख लो। तो गाइस ये वाली वीडियो इंडोर कंडीशन में ही रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं अपने स्टूडियो में फ्रंट फेसिंग कैमरा से 1080p 30fps पे। मोटोरोला वर्सेस सैमसंग आप देख सकते हो किसकी वीडियो क्वालिटी आपको बढ़िया देखने के लिए मिल रही है।
भाई क्लियरली देख के बता सकता हूँ मोटोरोला की जो वीडियो क्वालिटी है वो मच बेटर है सैमसंग कंपैरिजन में। सैमसंग ने बिल्कुल अजीब सी स्किन टोन्स कर दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा शेडोज वगैरह देख लो यहाँ पे मेरी दाढ़ी पे, इवन पीछे जो लाइट है ना वो भी देखो। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो किस तरीके की वीडियो आ रही है, यहाँ पे स्किन टोन वगैरह डिटेल वगैरह किस तरीके से आ रही है आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरा से। अभी एकदम लो लाइट में मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, तो अगेन आप देख लो भाई किस तरीके की वीडियो दोनों फोन यहाँ पे बना रहे हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो ब्लूटूथ 5.1 वर्सेस ब्लूटूथ 5.0, बाकी इसके अंदर आपको ना सिंगल बैंड वाईफाई देखने के लिए मिलता है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा दिक्कत देता है। लाइक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अगर आपने यूज किया तो आपको पता है भाई कितनी ज्यादा दिक्कत होती है, उसके ऊपर ढंग से नेट नहीं चलता है या फिर स्लो स्पीड्स आती हैं। वेरियस मोटोरोला के अंदर ना आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दिया गया है तो भाई वो अच्छे तरीके से काम करता है क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज़ पे दिक्कत नहीं आती, ज्यादा कंजेशन नहीं होता है एज कम्पेयर टू 2.4 गीगाहर्ट्ज़। तो ये बहुत ही ज्यादा मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है एक्सपीरियंस के अंदर। बाकी सैमसंग यार वाईफाई 3 दे रहा है वर्सेस वाईफाई 5, तो वो भी काफी डिफरेंस ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है और दोनों में बेसिक सेंसर्स मिल जाते हैं। बैटरी दोनों के अंदर 5000 एमएच की मिलती है, सैमसंग के अंदर आपको 7.5 वॉट का चार्जर मिलता है, मोटोरोला के साथ 10 वॉट का चार्जर मिल जाता है। दोनों फोन्स को चार्ज होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन हाँ मोटोरोला का फोन सैमसंग के कंपैरिजन में जल्दी से चार्ज हो जाएगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो मोटोरोला का फोन यहाँ पे चल रहा है माई यूएक्स के ऊपर जो कि मोटोरोला की खुद की स्किन है, क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड है, काफी ज्यादा दिखने में अच्छी लगती है। बट हाँ इसके अंदर सॉफ्टवेयर की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स ही एंड्रॉइड 13 के ऊपर आया था और मोटोरोला ने प्रॉमिस किया है इसके अंदर एंड्रॉइड 14 का गारंटेड अपडेट और हाँ इसके अंदर 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस अपडेट भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वेरियस बात करें सैमसंग की तो सैमसंग का फोन चल रहा है वन यूआई कोर के ऊपर, इसके अंदर वन यूआई 5.1 का अपडेट आ चुका है, सैमसंग ने बोला इसमें एंड्रॉइड 14 का भी अपडेट आएगा और मोटोरोला के अंदर तो भाई 3 साल के सिक्योरिटी पैच भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी हाँ यहाँ पे ना मोटोरोला में आपको थिंग सील सिक्योरिटी का भी ऑप्शन मिल जाता है, वेरियस सैमसंग इस वन यूआई कोर में नॉक सिक्योरिटी नहीं मिलती आपको। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो मोटोरोला का फोन काफी ज्यादा क्लीन है, कोई एड्स वैड इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। हाँ इसमें ना आपको लॉक स्क्रीन पर ऐसे ग्लांस वाला सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है जिसको आप डिसेबल कर सकते हो। वेरियस सैमसंग की बात कर रहे हैं तो इसके वन यूआई कोर में काफी ज्यादा एड्स हैं, देख लो यहीं पे आपको एड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आईपीएल सैमसंग एक्सिस बैंक को यहीं पे प्रमोट कर रहा है, मेन्यू में जाओगे तो डिस्कवर पेज में अलग से ऐप रिकमेंडेड कर रहा होता है, यहाँ पे अलग अलग नोटिफिकेशन देता रहता है बार बार। तो हाँ अगर क्लीन सॉफ्टवेयर चाहिए ना तो मोटोरोला का फोन बहुत ही ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू सैमसंग, और लॉन्ग रन के अंदर मैं बोलूंगा इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर से डेफिनेटली जो मोटोरोला का स्मार्टफोन है वो क्लियरली बेटर है हर एक चीज के मामले में। अगर आपके पास भी किसी फ्रेंड के पास M04 हो या आप किसी शॉप पे जाके चला के देखने से वाले फोन को आपको पता चलेगा ये किस तरीके से चलता है, तो डेफिनेटली वाला फोन एक अच्छी चॉइस है, आप इस प्राइस सेगमेंट में इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। बाकी गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।